ठाकुर साहब, आपका खत मिलते ही मैंने सोचा आपने मुझे याद किया है, अगली गाड़ी से चलाया। जेलर साहब, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए, बिल्कुल कोई भी काम हो। मुझे दो आदमियों की जरूरत है। दो आदमी? रामलाल, इन्हें पहचानते हैं आप? ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश, एक नंबर के चोर, छठे हुए गुंडे हैं। जानता हूं, लेकिन काम कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। ठाकुर साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या काम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ये दोनों किसी काम के नहीं। नहीं जलील साहब, अगर एक तरफ इनमें ये सब खराबियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ खूबियां भी हैं। खोटा सिक्का तो दोनों ही तरह से खोटा होता है। सिक्के और इंसान में शायद यही फर्क है। मुझे याद है, दो बरस पहले की बात है, डिस्ट्रिक्ट जमालपुर में मैंने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। शाम ढलने से पहले हमें तामली पुलिस स्टेशन पहुंचना था, कोई दूसरा इंतजाम ना हो सका, इसलिए हम एक मालगाड़ी में आ रहे थे। मैं, दो सिपाही और हथकड़ियां पहने ये दोनों बदमाश, जयदेव और वीरू। थानेदार साहब, आप कभी दौलतपुर थाने पे भी थे? हाँ, पहले था। क्यों? हाँ, अब याद आया, जब से आपने पकड़ा है तब से सोच रहा हूँ कि आपको पहले कहाँ देखा है। वहाँ वो लालजी भाई बनिया की दुकान थी ना, जहाँ चोरी हो गई थी, याद है आपको? लालजी भाई बनिया? नहीं तो नहीं याद। जय जय, याद है जब हम दो दिन के लिए दौलतपुर थाने में बंद हुए थे? दौलतपुर थाने? हाँ। कब बंद हुए थे? अबे जब वो बनिया की दुकान का ताला तोड़ा था तब। थानेदार यही तो थे, नहीं बचा ना।